दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विजय संकल्प यात्रा कर जनता से संवाद कर रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव अपने रथ के साथ में विजय संकल्प यात्रा लेकर रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता आजम खान के लिए प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के रथ पर सवार जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने यहाँ का जायजा लिया और समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा से उन्होंने खास बातचीत की। सुनिए। अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी क्रांति रथ विजय रथ यात्रा को लेकर निकले और ये आलम है। दरअसल पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है और दूसरे चरण के मतदान के लिए वे रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर इसलिए भी थोड़ा अहम हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेताओं में से एक मोहम्मद आजम खां, उनका ये शहर है, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, मंत्री रहे हैं और कहा जाता है कि रामपुर की पहचान ही आजम खां हैं। लेकिन इस वक्त वो जेल में हैं और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए आज इस समय आए हुए हैं। अपने विजय संकल्प यात्रा के दौरान वो रामपुर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में आप देखेंगे जिस भी तरफ वो जाते हैं उनका हर 10 कदम यही आलम होता है। भीड़ उनका स्वागत करती है, उनके अभिवादन में खड़ी रहती है, लाल टोपियों से उनका अभिवादन किया जा रहा है और यहाँ पे यही आलम उनका रहता है। और इसी यही वजह होती है कि जब वो रथ यात्रा करते हैं तो देर हो जाती है और जहाँ उनको 1 घंटे में पहुँचना होता है वहाँ वो कई कई घंटे लग जाते हैं उनको पहुँचने में। और आलम यह होता है कि अगर वो चाहें भी जल्दी जाना तो आप देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ उनसे हाथ मिलाना चाहती है, उनको कुछ तोहफे देना चाहती है, उनके ऊपर फूल की वर्षा कर रही है, वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होता है कि जब वो किसी भी शहर से गुजर रहे होते हैं कहीं जाते हैं। लीलावती जी, आप उनके साथ लगातार इस चुनाव प्रचार में रही हैं, कैंपेन में रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो उत्साह है ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? थोड़ा तेज बोलिए। बिल्कुल भाई जी, ये वोट में तब्दील होगा। लोगों में बहुत उत्साह है, किसानों में, महिलाओं में, नौजवानों में, क्योंकि आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है जनता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे ये गदा उनको किसी ने भेंट की है, लीलावती जी दिखा दिए गदा भेंट की है और ये क्रम लगातार चलता रहता है इस तरह से। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गदा दी गई है। हाँ, तो ये क्रम चलता रहता होगा, कभी गदा, तलवार, मुकुट, रथ, साइकिल सब मिलती रहती है। गदा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी को भगा रहे हैं और जिस तरह से लोगों में उत्साह है और जिस तरह से मैनिफेस्टो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाहिर किया है महिलाओं के लिए 1500 रुपया समाजवादी पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 9 बेटियों को 36,000 रुपया कन्या विद्याधन, बच्चों को लैपटॉप, मैंने पूरा घोषणा पत्र याद है आपको। ठीक है, वो तो सही है। आजम खां का जेल में रहना और बीजेपी का कहना कि साहब गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी है, इनके आते ही जंगल राज बच जाता है, इसका काउंटर कैसे करेंगे आप? आपने देखा है आज के पेपर में भी देखा और सोशल मीडिया और आपके भी माध्यम से कि जो चार चार किसानों को रौंद डाला, किसान हिंदुस्तान की आत्मा होती है, वो जेल से बाहर है। जी जी। और माननीय मोहम्मद आजम साहब आज जेल के अंदर हैं। ये आप, ये आलम होता है, इस तरह से लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं रथ के पीछे और ये आलम होती है। इसमें आप देखेंगे हर वर्ग के लोग हैं, कई बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ये कहा जा सकता है कि एक समावेशी आप इसको दृश्य कह सकते हैं जिसमें हर कोई और सबके अंदर अगर कोई चीज़, मैं एक बात कॉमन कहूँ तो सबके अंदर एक उत्साह है, उनको लगता है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो जिस तरह से उनके अंदर उत्साह है, जिस तरह से वो हंसी है, जिस तरह से फूलों की बरसात कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पे किसी भी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक खुशी का सबब हो सकता है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, रामपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।